नमस्कार, आज खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। चलिए बुलेटिन की ओर चलते हैं। कोसली में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन, बीजेपी ने घोला जातिवाद का जहर। सम्मेलन में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बता दें आपको कि कोसली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करने पहुंचे और साथ ही लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सांसद दीपेंद्र यहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में होने वाली जनक्रांति यात्रा का निमंत्रण देने पहुंचे थे। लोगों के इस अपनेपन और जोशीले स्वागत के लिए सांसद ने सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि हमें अफसोस है कि अब बीजेपी के पिछले 4 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में विकास का काम रुक गया है। नया प्रोजेक्ट लाना तो दूर की बात है, ये सरकार पुरानी मंजूरशुदा परियोजना पर ही काम चालू कर दे तो हमें संतुष्ट होगा। आपस में उलझ के किसी का लाभ किसी का बनाने हो सकता है देश में, और इसी तरह की बीजेपी की जो राजनीतिक एक विचारधारा है उसको हम लोग देश के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से ये लोगों को जागृत करेंगे कि इस विचारधारा को रिजेक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा प्रदेश और हमारा देश सब भाई मिलके एक विकास के रास्ते पे दोबारा से विकास का पहिया मजबूती से दोबारा घूमे। और उसी संदर्भ में आज कोसली के अंदर एक हमें इसको मैं कार्यकर्ता बैठक ना करके एक परिवार मिलन जरूर कहूँगा, क्योंकि ये हमारा परिवार है और ये हम अपने परिवार से बीच बीच में मिलके जो है क्या बातचीत हमारी होती है। और ये परिवार मिलन हमारा कांग्रेस का एक कार्यक्रम था राजेंद्र जी के नेतृत्व में, और अपना आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और 12 तारीख की महेंद्रगढ़ में हमारी जनक्रांति रैली है और 4 दिन जब महेंद्रगढ़ के अंदर जनक्रांति रथ रहेगा, उसकी तैयारी के लिए हमने यहाँ पे कोसली, क्योंकि बिल्कुल महेंद्रगढ़ से साथ लगता हमारा ये कोसली का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ से भी हमारी अच्छी उसके अंदर हाजिरी रहेगी। उधर झज्जर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक स्कूल बस के नीचे कुचले जाने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्कूल बस का चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना को अंजाम देने वाली स्कूल बस कोसली के सूरज नामक स्कूल की बताई जा रही है। दंपत्ति एक 3-व्हीलर में सवार होकर अपने गाँव जा रहा था, उसी समय हादसा हुआ। लेकिन जब ये पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बस चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। मामला आज समय करीब 4 बजे हमें सूचना मिली कि सरोला गांव के पास एक 3-व्हीलर और सूरज स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर चमेली व रमेश नाम के दो एक व्यक्ति एक औरत दोनों पति पत्नी थे। ये अपने गांव माथरोली अपने घर जा रहे थे और एक इसने बस ने गावला परवाह इसे चला करके इसके चालक ने इसका एक्सीडेंट कर दिया। दोनों डेड बॉडियों को जिए जज्जर रखवाया गया है। इसके वारसान आए हुए हैं और ड्राइवर अभी मौका से भागा हुआ है। ये अभी जैसी दरखास्त देंगे नियमानुसार कार्रवाई आगामी। तो बहादुरगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पदकों की छड़ी लगा दी। शाइनिंग स्टार एकेडमी की खिलाड़ी मुस्कान सागवान ने जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है और अंडर 13 में नेशनल लेवल पर 10वें नंबर की खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं अंडर 19 में एकेडमी के ही खिलाड़ी पारस और अर्जुन माथुर ने एशियन स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। एकेडमी पहुंचने पर विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। बैडमिंटन में जूनियर लेवल पर बहादुरगढ़ के खिलाड़ियों की बढ़ती धमक से शहर के लोगों में भी खुशी का माहौल है। का मानना है कि पीवी सिंधु और किदामी श्रीकांत की तरफ ये खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करेंगे। प्लेयर्स ने मेहनत बहुत करी है इस पे और हम लोगों ने भी मेहनत करी है। सुबह 4 बजे उठ के सेशंस लिए गए हैं और कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि हम लोग का मुकाबला गोपीचंद एकेडमी, प्रकाश पादुकोण एकेडमी और साउथ की एक दो अच्छी निखिल कानेकर एकेडमी, उनसे मुकाबला रहा है। और हमारा मेरी तरफ से तो ये कि हम तो मेहनत ही करा सकते हैं, बाकी प्लेयर्स तो क्रेडिट तो सारा प्लेयर्स को ही जाता है। JBC ग्रैंड फिनाले अंडर 13 में विनर थी मैं। इससे पहले स्टेट में स्टेट चैम्पियनशिप, इससे पहले सोनीपत में
ओपन था, ओपन टूर्नामेंट, उसमें विनर थी अंडर 15, 17, 13, बहुत इवेंट। और ये सब कोचेज के सपोर्ट से हुआ है, मेरे कोच मनीष सर, बख्शी सर और आंटी अंकल के सपोर्ट से सब कुछ हुआ है। अभी नागपुर में स्कूल एशियन गेम्स हुआ था, उसमें मैं इंडिया की तरफ से खेला था, वहाँ पे 7 देश आए थे, हमारा इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया है। इससे पहले वर्ल्ड स्कूल में भी मेरा सिल्वर मेडल आया था, वहाँ पे 14 कंट्री थी, उसमें भी मैं इंडिया की तरफ से खेला था। और स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल आया है और 4 बार स्टेट रनर अप रह चुका हूँ सिल्वर मेडल स्टेट में। इसका श्रेय मेरे कोच श्रीकांत सर, बख्शी सर को जाता है, मोहम्मद रिजाल सर को जाता है और मनीष सर को जाता है, और सपोर्ट शैलजा आंटी और राकेश जून अंकल को जाता है। उधर बहादुरगढ़ में ओवरलोड वाहनों से रिश्वत लेने के मामले में सिपाही जोगिंदर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चालकों से रिश्वत लेने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वायरल वीडियो में सिपाही जोगिंदर ओवरलोड वाहनों से रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो पुलिस ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके चालान करने की बात करती है, इस मामले में ESI श्री भगवान को भी लाइन हाजिर किया गया। शुरुआती जांच में आरोपी सिपाही के स्विफ्ट गाड़ी वाले साथी की पहचान नहीं हुई है। के अंदर हमने केस रजिस्टर कर दिया करप्शन एक्ट में, और इसमें 2 आदमी थे ट्रैफिक के जिनकी ड्यूटी थी नए गांव पर, जिसमें एक तो ESI श्री भगवान था और कॉन्स्टेबल जोगिंदर सिंह था, और दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। आज जो है मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, उसमें जोगिंदर सिंह को अरेस्ट किया है करप्शन में, और श्री भगवान कल ड्यूटी पर नहीं था, ये बात आई को कहीं बीमार था, आया नहीं था, तो उसकी भी हम जांच करेंगे क्यों नहीं आया। और इसमें इसको अरेस्ट कर लिया है कि इसके साथ ही और था कोई नया गांव में लीला राम का नाम अभी आया है, जिसकी स्विफ्ट गाड़ी थी, ये मिलकर वो पैसे लेता रहा, ये उसके पास गाड़ी रुका के बेचते रहे। तो अभी तक इसकी अरेस्ट किया है इसको, कॉन्स्टेबल को, आगे तफ्तीश चालू है। तो भारतीय महिला उद्यमियों सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन का उद्घाटन किया, आपको बता दें महामंत्री ने फरीदाबाद के एक निजी होटल में लघु उद्योग भारती महिला उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन लघु उद्योग भारती के राष्ट्र महामंत्री गोविंद लेले ने किया है। बता दें आपको सम्मेलन में लगभग 40 महिलाओं ने अपने अपने उद्योगों में बनने वाले प्रोडक्टों की प्रदर्शनी लगाई, जिनमें मुख्य रूप से करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इस मौके पर महिलाओं को काम के दौरान सुरक्षा और कानूनी जानकारी दी गई। राष्ट्र महामंत्री गोविंद ने कहा कि महिलाएं अपने आप को मजबूत बनाएं और हर समस्या का समाधान खुद करें, ताकि सामने वाला उन्हें कमजोर ना समझे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी आवश्यकता है कि महिलाओं ने अपने अपने खुद के उद्योग शुरू करना, जिन्होंने शुरू किए हैं वो अच्छे तरीके से चलाना, और केवल अपने कुटुंब और फैमिली का विचार न करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी इसका जो हाथ पर लगेगा उससे माइक्रो इकोनॉमी में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्यमी में महिलाएँ आएगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्यमियों को भी आधारभूत होगी और राष्ट्र को भी आधारभूत होगी। मसाले हैं जी सारे, सभी अब हम अपने अपने हाथ से हम इसको पीसते हैं और कूटते भी हैं, इसको कूट के भी मतलब हाथ के हैं हमारे अपने। घर के लोगों को भी रोजगार है, मेरे 5-6 बंदे लगे हुए हैं जो एक दो बंदे सप्लाई के लिए जाते हैं, और लेडीज लगाई हुई है जो पैकिंग वगैरह करवाती है घर पे। मेरे हैंड ब्लॉक प्रिंटेड सूट, साड़ीज, फैब्रिक्स, ये सब है। तो पहले मैं पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन से पास आउट हूँ। पहले मैंने जॉब किया एक साल और अब मैं अपने बिजनेस में अप्रॉक्स 1.5 ईयर से। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, केजरीवाल ने सीएम खट्टर पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि रोहतक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के केंद्र में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की चर्चाओं को लेकर कहा है कि जनता की राजनीति में उनका विश्वास है। केजरीवाल ने कहा है कि उनका गठबंधन जनता के साथ है,
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को नसीहत दी है कि अगर वे काम करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार से सीख लें, या फिर उनकी काम करने की नियत ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार को हम मुफ्त में काम करना सिखा देंगे कि स्कूल और अस्पतालों को कैसे सुधारा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज दिल्ली में पूरे देश के मुकाबले सबसे सस्ती बिजली और लोगों को पानी भी फ्री में मिल रहा है। SYL को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आम आदमी पार्टी को स्टैंड है कि दोनों राज्यों को न्याय मिले और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले। को किसी भी मैं गठबंधन की राजनीति, फलानी राजनीति, मेरी सीधी राजनीति जनता की राजनीति है, जनता के विकास की राजनीति है, जनता के हितों की राजनीति है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम सरकार चला रहे हैं, हम 24 घंटे यही सोचते हैं कि हम जनता के लिए और क्या काम कर सकते हैं। जो पिछले 3 साल में मेरा सरकार चलाने का अनुभव है, मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर हम लोगों ने 3 साल के अंदर इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतने काम कर दिए तो ये पार्टियां 70-70 साल में क्यों नहीं कर पाई, इसका फ्रैक्शन भी नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार है, हरियाणा में 4 साल से है, गुजरात में तो मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए इनको। वहां पे स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए? 20-20, 25-25 साल तक सरकार चलाने के बाद अगर ये अस्पताल और स्कूल ठीक नहीं कर पाए तो या तो इनको करने नहीं आते और या ये करना नहीं चाहते, दोनों में से एक ही बात है। तो हम इस किस्म की राजनीति की बजाय हम सीधे जनता की राजनीति सोचते हैं। यमुनानगर के हरबंसपुरा निवासी पिंटू की उसी के साथी ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या कर दी। हत्यारा इतना शातिर था कि हत्या को अंजाम देने के बाद कोई भी सबूत न बचे, इसके चलते दोस्त की कार को भी नहर में ढकेल दिया। लेकिन परिजनों के शक पर जब पुलिस ने दोस्त डॉक्टर से पूछताछ की तो उसने पूरा राज ही पुलिस के सामने उगल दिया। फिलहाल पुलिस ने 18 घंटे की तलाश के बाद कार को तो नहर से ढूंढ निकाला है, लेकिन शव अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। 5 बजे चला था डॉक्टर नरेश के साथ, नरेश तो वो घर पे आया, उसे लेके चला गया। उसे ले जाने के बाद वापस घर पे आया, अपने जमीन के कागज कुगज लेके चला गया, कहता चलो पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट घर लेके चला गया अपने, तो पता नहीं पेमेंट करी नहीं करी। तो फिर भाई को कहता, ये डॉक्टर नरेश का ही कहना है हमको, जब वो हमें बता रहा था तो भाई को कहता कि चलो जमुना तक चलते हैं, कुछ सामान सला के आना है। तो वो जमुना तक आए तो सामान पता नहीं सलाया नहीं सलाया, तो कह रहा वापस घर आके डॉक्टर नरेश हमें कहता कि पिंटू ने मेरे को यहाँ उतार दिया और उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, वो लापता हो गया, पता नहीं, मुझे कह रहा कसेडी जा रहा हूँ, सुखेडी जा रहा हूँ, सिस्टर के घर जा रहा हूँ, बस ये सब कुछ बात हुई थी। उदय यमुनानगर में 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही है। आपको बता दें तो वहीं इस बार रेलवे भी इस स्वतंत्रता दिवस पर अहम भूमिका निभाने जा रही है। भारतीय रेल भी इस दिन ट्रैक पर नई ट्रेन चलाने जा रही है जिसका नाम तिरंगा ट्रेन दिया गया है। और जब ये ट्रेन पर ये पटरी पर दौड़ेगी तो माने ऐसा लगेगा कि ट्रेन नहीं बल्कि ट्रैक पर तिरंगा हवा में लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ट्रेन को चलाने के लिए भाप वाला इंजन नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसे तिरंगे की तरह सजाया गया है और ये ट्रेन 15 अगस्त को दिल्ली से ट्रैक पर चलाई जाएगी। माना जा रहा है कि इस ट्रेन को देश के PM नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। अगर वही नहीं देते तो फिर रेल मंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। डिजाइन जो भारत सरकार भेजती है जगाधरी वर्कशॉप को, उसी के मद्देनजर इसको बनाया जाता है। और जब ये रेलगाड़ी चलेगी तो देश की शान की बात होगी, आन और शान हमेशा देश का तिरंगा के रूप में जाना जाता है। उसी के मद्देनजर रेल कर्मचारी और जगाधरी वर्कशॉप अपनी पूर्ण मेहनत से देश के लिए इसको 15 अगस्त को समर्पित करने जा रहे हैं। और जब ये झंडा, खास तौर पर ये रेलगाड़ी जब चलेगी तो ऐसा मानो फील होगा, लोग ये देखने में अनुभव और आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि ये झंडा मूव कर रहा है, चल रहा है। जिस प्रकार इसका डिजाइन बनाया गया है ये काफ़ी आकर्षित करेगी और रेल कर्मचारी और देश के लिए ये शान की बात है। जगाधरी वर्कशॉप के लिए, उत्तर रेलवे के लिए शान की बात है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राष्ट्र खबर में इस खबरों का सिलसिला जारी है।